अद्भुत बात यह है कि इसमें से वह परियोजनाएं प्रमुख हैं जिनका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी ने किया, उन्होंने ही शिलान्यास किया, वही लोकार्पण कर रहे हैं। यह उनकी अद्भुत कार्यशैली का परिणाम है। बाबतपुर, यदि पुराने लोगों से पूछेंगे आप, यह बाबतपुर की जो सड़क थी, दो गाड़ियां वह मुश्किल जाती थी, आज बाबतपुर की सड़क, आप सड़क पर खड़े हैं, फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं, इतने लड़े प्रधानमंत्री जी आएंगे, आने के बाद अभी अंतिम प्रोटोकॉल उनका नहीं आया है, लेकिन जो संभावना है उस संभावना के अनुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी मल्टी मोडल टर्मिनल, वो अपने आप में एक अद्भुत है, जल मार्ग, जल परिवहन का, उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, साथ ही साथ जो जहाज जाएगी उस जहाज को अब बटन दबा करके प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर उनकी जनसभा होगी। जनसभा के दौरान वो 2500 करोड़ के लगभग परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। गौरतलब है कि पीएम मोदी 12 तारीख को काशीवासियों को लगभग 24 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं और इसमें सबसे खास है पहली बार गंगा पर बन रहा हाई फाई बंदरगाह। पूरे काशी को भगवा रंग में रंग दिया गया है और पूरे शहर की सजावट आज भी उतनी ही रंगीन है जितनी रंगीन दिवाली के समय थी। अर्णव द्विवेदी, ईडीवी, वाराणसी।